मंडी जिला के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आयुर्वेदिक विभाग द्वारा योग के विभिन्न प्राणायाम, अनुलोम विलोम, चक्रासन सहित अन्य योग क्रियाएं करवाई गयी। इस अवसर पर सांसद रामस्वरूप, द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहर सिंह ठाकुर, उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पड्डल में एक दिवसीय योग का करीब एक घंटे तक आयोजन किया गया। इसमें जिला की समस्त संस्थाएं, स्कूली बच्चे, आईटीआई प्रशिक्षु, डाइट प्रशिक्षु और कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित अन्य ने भाग लिया। आज इस चौथे अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं प्रदेश की जनता को योग दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज पूरा विश्व में 171 से ज़्यादा देशों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके प्रयत्नों से आज पूरे विश्व में भारत की परंपराओं का, भारत की ख्याति का, भारतीय इस योग साधना का एक संदेश पूरे विश्व को गया है। और स्वस्थ रहने की कला और मन बुद्धि को तीव्र करने की जो योग से जो ऊर्जा मिलती है, आज पूरा विश्व उस ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। मैं भारत के संत महात्माओं के इस आह्वान को और माननीय प्रधानमंत्री पूरे विश्व के आगे इस तरह से अपने पक्ष को आज पूरे विश्व ने स्वीकारा है। और आज हम सब इस मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इकट्ठे होकर योग करने का जो हमने क्रम आरंभ किया है, ये नितांत बना रहे तभी हम अपने स्वास्थ्य का लाभ और इस विश्व की इस परंपरा से जुड़ने का हमें एक संदेश पूरी दुनिया को देने का सौभाग्य मिले। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज यहाँ पर पड्डल मैदान में मनाया गया और लगभग 900 से हज़ार लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर सुबह के समय चलने फिरने के लिए यहाँ पर पड्डल में आते हैं, उन्होंने भी योगा का जो प्रशिक्षण लिया। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि योगा जो भारत से निर्माण हुआ है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस उसका मनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज मंडी जिला में भी जिला मुख्यालय में इसको यहाँ पर मनाया गया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से चमन शर्मा के साथ अजय रांगड़ा की रिपोर्ट।